देखते हैं सियासी जगत से जुड़ी हुई खबरों का। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा था कि अगर नीतीश कुमार उनके सामने आएंगे तो आरजेडी का प्रदर्शन और भी बेहतर रहेगा। इस पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने प्रतिक्रिया दी। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी को ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वे ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी की जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो लिखी ही हुई नहीं है। ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाएंगे। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा हुआ। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की ओर से तेजस्वी यादव पर निशाना साधे जाने पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इस पर पलटवार किया। अखिलेश सिंह ने कहा कि पूरा बिहार ललन सिंह का पकवान खाएगा। वहीं जब आरक्षण पर उनसे सवाल पूछे गए तो अखिलेश सिंह ने कहा कि पूरी राजधानी पानी में डूब चुकी है, उनके आवास में भी पानी भरा हुआ है, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। चलो पूरा बिहार भर ललन जी का पकवान खाएगा और क्या, इधर ख्याली पकाओ। आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिस तरीके से एससीएसटी को लेकर बातें आई है। अरे यार पूरा पटना डूबा हुआ है, पाटलिपुत्र कॉलोनी हम लोगों का घर भी डूब गया। लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जनता से जुड़ाव की जगह सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता को ज्यादा वरीयता देते हैं। तेजस्वी ने माता पिता की कमाई से एक लंबी फौज खड़ी कर ली है, जिसकी मदद से सोशल मीडिया पर बस कंटेंट लिखा जाता है, लेकिन उसका मतलब उनको पता नहीं है। हमने 342 दिन जनता के बीच संघर्ष किया, लोगों के आंसू को पोछा, लेकिन आप बता दो, 5 साल पहले भी नेता प्रतिपक्ष थे और अभी भी नेता प्रतिपक्ष हो, 5 जगह बता दो जहां जनता के संघर्ष में आप जाकर के दिन भर का समय दिए, एक भी ऐसा जगह। सिर्फ ट्वीट करना, माता पिता के कमाई से एक लंबी फौज खड़े कर लिए हैं और उसके माध्यम से कंटेंट लिखते हैं और मोबाइल पर डलवा देते हैं, उसका मीनिंग भी नहीं समझ पाते हैं। इससे राजनीति नहीं चलेगी। अब सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। और अब बात करते हैं जर्जर पुल की, जहां पर बिहार में पुल गिरने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद भी इससे जुड़ा विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गंडक नदी पर बनी हाजीपुर और सोनपुर को जोड़ने वाली ब्रिज की हालत बेहद जर्जर है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जगह जगह सरिया न सिर्फ दिखाई दे रहा है बल्कि कई जगह तो सरिया टूटने भी लगा है। इस ब्रिज से गुजरने वाले गाड़ी के ड्राइवर भगवान भरोसे अपनी गाड़ियों को यहां से पार करते हैं। ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में पुल गिरने की घटना लगातार हो रही है, बावजूद इसके जो संबंधित विभाग है वो कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग रहा है। आपको इसलिए ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए, ये हाजीपुर और सोनपुर को जोड़ने वाली ब्रिज है और यहाँ देखिए इस ब्रिज की हालत क्या है, बेहद दयनीय स्थिति हो चुकी है। इस ब्रिज की जो है पथ की, रोड की, सड़क की बेहद दयनीय स्थिति है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस पुल को जो है वो मरम्मत की जरूरत है। आप देखिए ब्रिज जो है निर्माण जो हुआ है उसकी गुणवत्ता कितनी घटिया थी कि अब छर जो है, सरिया जो है वो टूटने लगा है, दरक चुकी है पूरी तौर पे ये सड़क और कई जगहों पे इस तरह से सरिया जो है वो नजर आ रही है और जो वाहन चालक है, भारी वाहन चालक है, वो बेहद कह सकते हैं कि जान हथेली पर लेकर के इस ब्रिज से अपने वाहनों को गुजार रहे हैं और कहीं कहीं देख सकते हैं कि जब गाड़ियाँ गुजरती है, भारी वाहन जब गुजरता है तो क्या स्थिति होती है इस ब्रिज की। देखिए ये कई जगहों पर इस तरह से सरिया जो है वो जो अलकतरा है उसे छोड़ चुका है और स्थिति ये है कि लोग डर के साए में इस ब्रिज से गुजरते हैं क्योंकि ये जो है एक मात्र ब्रिज है। अगर हम सोनपुर हाजीपुर रेल
ब्रिज की बात हम छोड़ दें तो दूसरा ये ब्रिज जो है जो आवागमन के लिए सोनपुर और हाजीपुर को जोड़ने वाली ब्रिज जो है, लेकिन इसकी स्थिति जो है बेहद कह सकते हैं कि दयनीय हो चुकी है। लोग सहमे हुए इस ब्रिज से गुजरते हैं। कई जगह तो हालत ऐसी है कि होल बड़े बड़े हो चुके हैं इस ब्रिज पे। और यहाँ देखिए ये जो बड़ी वाहन गुजर रही है तो जो वाहन चालक हैं वो किस तरह से डर के साय में जाते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से पूरे ब्रिज पे आपको सरिया इस तरह से टूटा हुआ नज़र आएगा। ब्रेक किया हुआ जो अप्रोच रोड है वो नज़र आएगी। तो ये व्यथा जो है ये अपने आप में बताने को काफ़ी है कि जो संबंधित विभाग है वो किस कदर लापरवाह हुआ है और क्यों ब्रिज गिर रही है इसकी पड़ताल आज न्यूज 18 ने किया है। और आपको दिखाया है कि देखिए इन वजहों के कारण जो है ब्रिज टूट रहा है और राजनीति खूब हो रही है। सरकार अपनी गाल बजा रही है, विपक्ष निशाना सरकार का साध रहा है, लेकिन समय रहते जरूरत है जब संबंधित विभाग को जागने की तो वो कुमकुरनी नींद में सोया हुआ है। तभी तो आलम ये है, हालात ये है। अमित कुमार, न्यूज 18, हाजीपुर सोनपुर। ऊपरी जलग्रहण इलाके में लगातार हो रही बारिश से राजधानी पटना में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान को पार कर चुका है। यहां गंगा नदी खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से इस दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। गांधी घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। पटना में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। हम गांधी घाट की तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं। गांधी घाट में देखिए किस कदर गंगा का पानी जो है अब ऊपर की तरफ सीढ़ियों से भी ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है और जो डेंजर जोन है उससे 80 सेंटीमीटर ऊपर पानी जो है वो पहुंच गया है। हालांकि फिलहाल चिंता की बात नहीं है, लेकिन डेंजर जोन को क्रॉस कर जाना ये साबित करता है कि गंगा का पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में जो बारिश हुई है वहाँ का प्रेशर जो है उसका ये इफेक्ट है कि राजधानी पटना में वाटर लेवल जो है बढ़ा हुआ है। हालांकि लोग जो है इसको एंजॉय भी कर रहे हैं काफ़ी संख्या में। इस वक्त देखिए रविवार का दिन है और काफ़ी संख्या में लोग पहुँच गए हैं गांधी घाट पर और स्नान भी कर रहे हैं, पूजा अर्चना भी की जा रही है। चूँकि माँ गंगे हैं तो माँ गंगे के प्रति अपार श्रद्धा होती है लोगों की और लोग पूजा अर्चना के मकसद से भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। काफ़ी संख्या में यूथ जो हैं वो देखिए यहाँ पर टहल रहे हैं। गंगा पाथवे की ये तस्वीर है जहाँ पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। लेकिन फिलहाल लोगों को परेशानियाँ हो रही है, वाटर लेवल जिस कदर बढ़ा है और निश्चित तौर पर गंगा का जो लेवल